हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक शर्ट ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए। ये काउंटिंग कैसे होता है वो आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए, ये शर्ट का विड्थ जो है ये 9 इंचेस है, तो हम लोग विड्थ में 10 इंचेस काउंट करेंगे और हाइट जो है 13 इंच है, तो हम लोग 14 इंच काउंट करेंगे। ये पीस काउंटिंग कैसे होता है वो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये शर्ट का जो है हमारा 9/13 था, तो हम 1-1 इंच बढ़ा रहे हैं। देखिए, और जब हम बॉक्स बनाते हैं तो ये बेस है, तो मैं ये साइड्स चाहिए, सब तरह से साइड्स जो है मैंने 9 इंच का रखा है। ये हाइट जो है रखा है, आपका रैक अगर बड़ा हो तो आप बड़ा लीजिएगा। मैंने 9 इंचेस का हाइट रखा है, ये इसके हाइट के लिए, यहाँ पे इसके हाइट के लिए, ये सारे 9 इंचेस के होंगे। तो हमारा पहले हम सब ये पूरा पीस काटेंगे, उसके बाद में हम लोग ये साइड का पीस कट कर देंगे। तो ये 9 + 14 + 9 ये 32 इंचेस का हाइट हो गया, और विड्थ जो है 9 + 10 + 9 यानी 28 इंचेस। तो ये पीस मुझे चाहिए 32 by 28 इंचेस का। ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मैंने जानबूझ के आपको कैलकुलेशन दिखाया ताकि आप अल्टर कर सकें अपने हिसाब से। ये देखिए, मैंने फेल्ट का पीस लिया है, इसमें मैं कोई फैब्रिक वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये फेल्ट है जो कि स्टिफ रहता है। ये मैंने 32 by 28 का पीस लिया है। अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 9/9 का हाइट का पीस कट करेंगे। ये जो, ये देखिए, ये जो पीस है ना, ये हमको नहीं चाहिए, ये पीस हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग ये काउंट करेंगे यहाँ से 9 9/9। तो ये एक्चुअली ये इतना ही पीस बचेगा जो हम यूज़ करेंगे। देखिए, ये पीस हमें नहीं चाहिए जो कि हम ये कट करेंगे। ऐसे ही हम लोग हर कॉर्नर पे 9/9 का पीस कट करेंगे। ये देखिए, हमने चारों तरफ पीस मार्किंग कर लिया है जो कि हम अभी कट करेंगे। अभी हम इसके साइड के पीसेस जो है 9/9 है वो ज्वाइन करना शुरू करेंगे। इसमें हम सिर्फ दो तरफ ज्वाइन करेंगे और दो तरफ हम लोग जिप लगाने वाले हैं ताकि ये हम लोग ओपन कर सके, सामने से कि शर्ट्स वगैरह निकाल सके उस तरह से। इस तरफ जिप लगाने से पहले हम लोग को ये याद रहना चाहिए। देखिए, ये जो हम लोग ऐसे ओपन करने वाले हैं, यानी कि ये एंड जो है यहाँ ऊपर रहेगा और हम लोग ओपन करेंगे तो ये ऐसे अलग हो जाना चाहिए पीस। इसके लिए जिप कैसे लगाना है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए, सबसे पहले जितनी ये हाइट है इससे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा जिप काटूँगी। और स्टिच करने से पहले मैं रनर डाल दूंगी। रनर डाल दिया, लेकिन हमें इस तरह नहीं लगाना है, ये पीस हमें इस तरफ लगाना है। ये देखिए, ये एंड जो है ऊपर आना चाहिए, तभी हमारा ये पीस इससे अलग होगा। अगर ये हमने ऐसे लगा दिया तो जिप तो खुल जाएगी लेकिन एंड जो है जुड़े रहेंगे ऐसे। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, ये सीधा पीस है, ये जिप जो है सीधा पीस है, जिप हम लोग इसको ऐसे रख देंगे और ये यहाँ से निकले नहीं, इसके लिए मैं एंड पे अभी एक स्टिच कर देती हूँ। जिससे स्टिचिंग के दौरान ये रनर बाहर ना निकले, ऐसे रख के इसके ऊपर स्टिच कर दूंगी।
यहाँ तक स्टिच करके हम रुक गए। अभी हमें ये ऐसे टर्न करके यहाँ से जो है इसके ऊपर ऐसे स्टिच करते जाना है। ये देखिए ऐसे जो एज जो है यहाँ से बाहर निकल आएगा, ऐसे 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 स्टिच करते जाएंगे। देखिए हमारा दोनों तरफ से स्टिचिंग हो गया है। अभी हम इसे डाप सिलाई करेंगे। इसे प्रेस करके इसके एज पे हम लोग स्टिचिंग करते जाएंगे एंड पे। अरे देखिए हमारा खुलने के बाद यह ऐसे दिखेगा। ये जो है ऊपर ये देखिए ये ऐसे दिखेगा और यहाँ पे एज पे स्टिचिंग आएगा। देखिए हमारे दो तरफ से जॉइनिंग और दो तरफ से जिप लग गए। अभी हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। अगर ये क्लोज किए बगैर हम लोग ये खोलेंगे तो जिप फिर से डालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि निकल जाएगा बाहर से। इसके लिए ये यहाँ ध्यान रखना है कि ये स्टिचिंग करते वक्त ये जिप बाहर ना निकले। अरे देखिए दाग सिलाई वगैरह की है। अभी हम इसको पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग करने के लिए हम लोग ने ये, क्योंकि हम लोग ने वेस्ट मटेरियल से ये बनाया है, इसके लिए हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं। देखिए आजकल ये प्लास्टिक बैग की वजह से ये ऐसे टाइप की शॉपिंग बैग मिलती है, मैं इसी से आज पाइपिंग निकल रही हूँ। देखिए और इसमें हम लोग डबल फोल्ड वगैरह नहीं कर रहे क्योंकि इसमें से कोई धागे नहीं निकलते। ये जस्ट हम लोग इतना ही फोल्ड करने के लिए, तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं काटूँगी। ये देखिए अराउंड इतना इतना ही पीस में कट करूँगी, लाइन एक इंच का इतना ही पीस में इस तरह से पीसेस कट करूँगी। देखिए जिप में ये नीचे रख रही हूँ और ये ऐसे नीचे करते वक्त ये ध्यान रहे कि इसका एज आपने स्टिचिंग करके रखा है यहाँ पे, वरना यहाँ से निकल जाएगा। इसको पाइपिंग कर लेती हूँ, ऐसे रख के इसको जस्ट हमको फोल्ड करना है। देखिए ऐसे और एक ही बार में स्टिचिंग कर ली है, सिर्फ यहाँ पे इस एज पे है इसके लिए मैं ऐसे रख रही हूँ ताकि यहाँ से जिप बाहर ना निकले। ऐसे रख के स्टिच करेंगे। एक तरफ हमारा हो गया है। देखिए अभी यहाँ से हमारा रनर बाहर नहीं निकलेगा और यहाँ जो है देखिए इसको ऐसे ही छोटा पीस लेके हम लोग इस देखिए यहाँ पे ऐसे करके इसको भी सील करेंगे ताकि पीछे से भी रनर बाहर ना निकले। देखिए ऐसे सिक्योर करना ज़रूरी है। अभी ये बचा हुआ पोर्शन जो राउंड में है सबको हम पाइपिंग करेंगे। देखिए वैसे तो बॉक्स हमारा तैयार है पर ये परफेक्ट रेक्टेंगल बनने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइड जॉइंट है हमारा वहाँ पे और प्लस ये यहाँ जहाँ पे हमारा बेस और टॉप अलग होता है वहाँ पे एक दाग सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे ये जो ऐसे पकड़ा और इसको फोल्ड किया इस एड से इस एड तक जस्ट हम एक दाग सिलाई करेंगे। देखिए हमारा शर्ट ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गए हैं। मैंने शर्ट ऑर्गेनाइज़र करके बनाया, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बुक्स रखना है यूज़ कर सकते हैं, साड़ियाँ रखना है आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये हम लोग कबर्ड में ऐसे डाल देंगे, शर्ट्स वगैरह निकालने के लिए हम लोग ये डायरेक्टली खोल सकते हैं। आपको जितने शर्ट्स रखना है आप रख सकते हैं। इसकी हाइट आप अपने कबर्ड के रैक के हाइट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। आप कपड़े का भी बना सकते हो, लेकिन आपको कपड़े का वगैरह बनाएंगे तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसमें आपको कार्डबोर्ड वगैरह डालना पड़ेगा। ये मैंने फेल्ट का जस्ट आपके लिए इजी तरीके से ज़्यादा कुछ सिलाई वगैरह ना करनी पड़े इसके लिए मैंने ऐसे दिखाया है। आपको ये अगर फोल्ड करके रखना हो, किसी को गिफ्ट करके देना हो, तो आप ये फोल्ड भी करके रख सकते हैं। देखिए इजीली फोल्ड हो जाता है, इसे रख के आप गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा।
और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको ये नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।